तो आज के वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सब्सक्राइबर्स के स्पीड रन में, तो एक एक करके सारे वीडियोस को देखेंगे। रिथमात की तरफ से है ये वीडियो। ओके, तो देखते तुम्हारा वीडियो। ओके, इस जगह पर देखो, इस पार्ट को कंप्लीट करने का एक बहुत ही इजी तरीका है। मैंने अपने स्पीड रन, हाउ टू स्पीड रन वाले वीडियो पे भी बताया था कि तुम डायरेक्ट इस जगह से जंप करके इस ब्रांच को पकड़ सकते हो। इस ब्रांच को पकड़ लोगे तो उसके बाद हैमर को स्विंग करके बहुत ही कम टाइम में तुम पार हो जाओगे इस वाले पार्ट को। तो अगली बार से ऐसा करना। देखते आगे देखते वीडियो पे। चिमनी भी अच्छा ही है तुम्हारा लग रहा है। ओके, तुम एकदम से इधर घूम के जाने वाले हो। उधर स्लाइड स्किप कर सकते थे। स्लाइड स्किप करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा तुम्हें। ब्रो, अगर तुम इस पार्ट को तेज करना चाहते हो, मतलब फास्ट करना चाहते हो, तो इस माउंटेन में बहुत सारे पॉकेट्स बने हुए हैं। जैसे कि इस जगह पर, एकदम इस जगह पर एक पॉकेट है, इसमें हैमर मार के जंप करके तुम एकदम से ऊपर इस जगह पर पहुंच सकते हो। तो इन जगहों को याद रखना। मेरे भी स्पीड रन देख सकते हो तुम, उसमें मैं कहां कहां पर हैमर मारता हूं। उन जगहों को याद रखना, तब बस उन जगहों पर हैमर मार के अगर ऊपर जाओगे तो बहुत ही कम टाइम में ये वाला पार्ट पार हो जाएगा। 10 मिनट 38 सेकेंड्स, 10 विंस। अच्छा खेल लेते हो तुम। बस 10 बार तुमने कंप्लीट किया है गेम को और 10 मिनट के अंदर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जब 10 बार कंप्लीट किया था इस गेम को, तब मुझे 16 या 18 मिनट लगे थे। तो मुझसे तो तुम फास्ट ही हो। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं, वो है अंशुल गेटिंग योर ट्यूटोरियल्स और बिगिनर। ओके, साउंड तुमने बढ़ा दिया, मुझे थोड़ा साउंड कमाना पड़ेगा। सेंसिविटी तुम्हारा कुछ ज्यादा ही लग रहा है। नो सेंसी में तुम नो एक्सेलरेशन पे फुल सेंसी में खेल रहे लगता है, इसलिए इतना मेसी हो रहा है तुम्हारा स्पीड रन। ब्रो, अगर मैं तुम्हें कोई टिप दूं यहाँ पर, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि तुम सेंसिविटी को थोड़ा कम करके खेलो। अगर सेंसिविटी थोड़ा कम करके खेलोगे तो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होगा और इससे तुम्हारा गेम थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। क्योंकि अभी तुम इस गेम को 10 मिनट के अंदर खेल रहे हो, तो अभी से एकदम फुल सेंसी में खेलना ठीक नहीं होगा। और मुझे भी देख सकते हो, मैं नो एक्सेलरेशन पे खेलता हूँ, लेकिन सेंसी मेरा बहुत कम होता है। फिर भी देखो, मैं बहुत ही कम टाइम में गेम को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अगर तुम इस गेम को थोड़ा कम सेंसी में खेलोगे तो तुम और भी अच्छा खेल सकते हो, मुझे लगता है। 9 मिनट 15 सेकेंड्स, 12 मिनट, ये वीडियो 12 मिनट का था। कोई बात नहीं, तुम अच्छा खेले। बस मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही टिप देना चाहूँगा, वो है सेंसिविटी के बारे में, तुम उसे थोड़ा कम करके खेलना। ओके, थैंक यू। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब देखने वाले हैं हम वीडियो गेमिंग वर्ल्ड 303 का, कंप्लीटिंग गेटिंग वर्ल्ड इन 8 मिनट्स। इसका वीडियो भी देखते हैं, 8 मिनट के अंदर इसने कंप्लीट किया है। ट्यूटोरियल वाले हिस्से में तुमने यहाँ पर थोड़ा फास्ट हैमर को घुमा दिया। इस जगह पे थोड़ा ज्यादा फास्ट घूम गया था हैमर, वरना यहाँ पर जब आओगे थोड़ा वेट करके उसके बाद हैमर को इस जगह पे नीचे मारो, तब इजिली तुम जंप करके इस वाले ब्रांच में पहुंच जाओगे। ये वीडियो देख के लगता है तुम ऑफलाइन में बहुत बार ऐसे कर चुके होगे, मतलब इजिली तुम कर लेते होगे, बस इस वीडियो पे नहीं हो पाया होगा। अगर मैं यहाँ पर और एक एडवाइस दूं, तो जो तुमने हैमर इतना ऊपर मारा है, इसको तुम इस जगह पर एकदम टिप में मार सकते हो। हैमर को यहाँ पर मारोगे तो इजीली एकदम ऊपर वाले समय पहुंच जाओगे, कहीं अटकोगे नहीं। यहाँ पर मारते हो तो कभी कभी फंस जाता है हैमर, मुझे भी, मेरे साथ भी होता है। ओके, अच्छा था ऑरेंज हेल। ओके, मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर और नेगेटिव पुल करने वाले हो। ओके,
ओके, बकेट थोड़ा अच्छा ही था तुम्हारा, और मैंने पहले वाले रिव्यू में जो बताया था कि इस माउंटेन में बहुत सारे पॉकेट्स बने हुए हैं, इन पॉकेट्स को याद रख के उसी जगह पर हैमर मारे हुए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 7 मिनट्स 22 सेकेंड्स तुम्हारा पीबी है, काफ़ी अच्छा खेले तुम। थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। सो स्पीड रन देखने वाले हैं वो है डाकू गेमिंग का। डाकू गेमिंग को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ क्योंकि बहुत पहले से मेरे चैनल को देख रहा है वो, तो देखते हैं ये वाला वीडियो। डाकू गेमिंग ने मुझे पहले भी एक वीडियो भेजा था, उस वीडियो को मैंने नहीं देखा, उसके बाद ये वाला उसका एक नया वीडियो है तो इस नए वीडियो को देख रहा हूँ। लगता है तो तुम्हारा सेंसिटिविटी नो एक्सेलरेशन पे फुल सेंसी में है, ऐसा ही लग रहा है। पहला वाला पार्ट बहुत ही फास्ट था तुम्हारा, काफी अच्छा खेले। ओके, चिमनी में थोड़ा फंस गए थे लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। इसको तुम और थोड़ा फास्ट कर सकते हो, मैं गेम खोलता तो दिखा सकता तुम्हें कैसे करना है। ओके, फर्नीचर काफी अच्छा था तुम्हारा, अब देखते हैं ऑरेंज हेल। ऑरेंज हेल भी काफी अच्छा था। ओके ओके ओके, ये बहुत ही फास्ट एक नेगेटिव पुल था, फिर से देखते हैं। नेगेटिव पुल तुम्हारा बहुत ही स्मूथ था वो वाला। 4 मिनट 24 सेकेंड्स, ये है 4 मिनट 37 सेकेंड्स, काफी अच्छा खेले तुम। माउंटेन में और हेड वाले पार्ट में तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उस जगह को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। अब देखने वाले उन स्पीडरन्स को जो या तो मेरे जैसा या मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है, तो पहले देखने वाले हम सुमित कुमार को। सुमित कुमार का स्पीड रन 2 मिनट 35 सेकेंड्स का है, जो लगभग सेम ही है मेरे जैसा, मैंने किया था 2 मिनट 33 सेकेंड्स में, बस 2 सेकेंड का डिफरेंस है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता क्योंकि हमारा पीबी एकदम सेम ही है। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स में खेल रहे लगता है, मैं अगर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में भी खेलूँ तो भी मेरा फ़ोन एकदम गर्म हो जाता है, अगर मैं ब्यूटीफुल ग्राफिक्स में खेलने लगा तो मेरा फ़ोन एकदम एक्सप्लोड हो जाएगा। पहले मैं बैटरी सेवर मोड में खेलता था, बैटरी सेवर मोड में FPS इतना ज़्यादा अच्छा नहीं देता था, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड मोड में स्विच कर लिया। ओके, नाइस टेक्निक, काफी अच्छा टेक्निक था वो रॉक को पकड़ने के लिए। 2 मिनट 35 सेकेंड्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अब जो वीडियो स्पीड रन देखने वाले हैं वो है राफेल का। इसने गेम को कंप्लीट किया है 1 मिनट 56 सेकेंड में, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है ये गेम, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है ये स्पीड रन। डी यू रिकॉर्डर, ये लोगों को हटा सकते थे तुम, उस ऐप में ऑप्शन है, मैं भी वो वाला ऐप यूज़ करता था पहले। इस स्पीड रन में मैं तो कोई टिप नहीं दे सकता क्योंकि ये वाला स्पीड रन मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है, तो मैं सीखने वाला हूँ इससे, इसको देख के।
इसके बाद और एक स्पीड रन को देखने वाला है, वो स्पीड रनर पीसी में खेलता है, उसने भी इस गेम को 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया है, सब 2 रन है उसका भी। माउंटेन काफी अच्छा था। वन मिनट 56 सेकेंड्स। थैंक यू राफेल फॉर शेयरिंग द वीडियो। तो अब देखने वाले हैं लास्ट स्पीड रन को। तो अब जो मैं स्पीड रन देखने वाला हूँ वो एक पीसी स्पीड रनर है जिसका नाम है राघव बब्बर। तो राघव बब्बर को भी मैं बहुत टाइम से ही जानता हूँ। तो इस स्पीड रन को देखते हैं। राघव बब्बर ने मुझे पहले एक वीडियो भेजा था, जिस वीडियो को मैंने देख लिया था वो 2 मिनट 3 सेकेंड्स का है। अब ये वाला नया एक वीडियो है जो सब 2 मिनट का है, 1 मिनट 56 या 7 सेकेंड का। मैंने एक बार देख लिया था वीडियो, तो मैं इस वीडियो पे ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी देखेंगे कोई गलती हुआ तो बोलेंगे इस वीडियो पे। एंड्रॉइड में जो हैमर है उससे थोड़ा अजीब दिखता है, पीसी वाला हैमर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लगता है। पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मैं पीसी का कोई स्पीड रन देखता हूं तभी मुझे लगता है कि उनका हैमर थोड़ा लंबा है एंड्रॉइड के गेटिंग ऑइड से। ओके, माउंटेन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और बकेट में भी थोड़ा टाइम लॉस हुआ था। फिर भी ये बहुत ही फास्ट स्पीड रन है, 2 मिनट के अंदर 1 मिनट 57 सेकेंड्स। सो थैंक यू राघव बब्बर फॉर सेंडिंग द वीडियो। तो आज के वीडियो पे इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो तुम क्या देखना चाहते हो। वैसे अगला वीडियो तो मेरा प्लान है, अगला वीडियो मैं अपलोड करने वाला ही हूँ, लेकिन तुम लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।